आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यशयाह की पुस्तक 19वां अध्याय वचन 11 से 25। निश्चय सोअन के सब हाकिम मूर्ख हैं और फिरौन के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति पशु की सी ठहरी। फिर तुम फिरौन से कैसे कह सकते हो कि मैं बुद्धिमानों का पुत्र और प्राचीन राजाओं की संतान हूँ? अब तेरे बुद्धिमान कहाँ हैं? सेनाओं के यहोवा ने मिस्र के विषय जो युक्ति की है उसको यदि वे जानते हों तो तुझे बताए। सोअन के हाकिम मूढ़ बन गए हैं, नोप के हाकिमों ने धोखा खाया है, और जिन पर मिस्र के गोत्रों के प्रधान लोगों का भरोसा था उन्होंने मिस्र को भरमा दिया है। यहोवा ने उसमें भ्रमता उत्पन्न की है, उन्होंने मिस्र को उसके सारे कामों में उस मतवाले के समान कर दिया है जो वमन करते हुए डगमगाता है, और मिस्र के लिए कोई ऐसा काम न रहेगा जो सिर या पूछ से अथवा प्रधान या साधारण से हो सके। उस समय मिस्री स्त्रियों के समान हो जाएंगे, और सेनाओं का यहोवा जो अपना हाथ उन पर बढ़ाएगा उसके डर के मारे वे थरथराएंगे और कांप उठेंगे। और यहूदा का देश मिस्र के लिए यहाँ तक भय का कारण होगा कि जो कोई उसकी चर्चा सुनेगा वह थरथरा उठेगा। सेनाओं के यहोवा की उस युक्ति का यही फल होगा जो वह मिस्र के विरुद्ध करता है। उस समय मिस्र देश में 5 नगर होंगे जिनके लोग कनान की भाषा बोलेंगे और यहोवा की शपथ खाएंगे। उनमें से एक का नाम नाश नगर रखा जाएगा। उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी और उसकी सीमा के पास यहोवा के लिए एक खंभा खड़ा होगा। वह मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा, और जब वे अंधेर करने वाले के कारण यहोवा की दोहाई देंगे तब वह उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक भेजेगा और उन्हें मुक्त करेगा। तब यहोवा अपने आप को मिस्रियों पर प्रकट करेगा और मिस्री उस समय यहोवा को पहचानेंगे और मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे और यहोवा के लिए मन्नत मानकर पूरी भी करेंगे। यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी करेगा, और वे यहोवा की ओर फिरेंगे और वह उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। उस समय मिस्र से अश्शूर जाने का एक राजमार्ग होगा और अश्शूरी मिस्र में आएंगे और मिस्री लोग अश्शूर को जाएंगे और मिस्री अश्शूरियों के संग मिलकर आराधना करेंगे। उस समय इसराइल, मिस्र और अश्शूर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा उन तीनों को यह कहकर आशीष देगा, धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र और मेरा रचा हुआ अश्शूर और मेरा निज भाग इसराइल।